1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को आयोजित संसद का विशेष सत्र आने वाले कई दशकों तक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इसी मध्य रात्रि को कर एकीकरण की सबसे बड़ी क्रांति जीएसटी का जन्म हुआ था और उसे देश के 125 करोड़ नागरिकों को सौंप दिया गया था। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है। बहु कर प्रणाली के साथ 7 दशक बिता चुका देश 1 जुलाई 2017 की सुबह अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था के साथ जागा। GST is one of the big structural foundation level change that has happened in Indian indirect taxation system. I think it's the best thing which has happened to India in terms of indirect taxes since 1947. One India with 29 mini Indias with all our states. So this required phenomenal homework to be done. GST की रचना जितनी कठिन थी, उसको देश में अमल करना भी जटिल कार्य था। इसके लिए क्रियान्वयन की प्रक्रिया को कई हिस्सों में विभाजित किया गया। विभिन्न राज्यों ने अपनी छोटी तालुका से लेकर बड़ी पालिका तक हजारों जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं, करदाताओं, संस्थाएं और अन्य स्टेक होल्डर्स को जीएसटी की प्रक्रिया को समझाना था। करोड़ों करदाताओं तक पहुंचने के लिए 50,000 एक्सपर्ट ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया। उन एक्सपर्ट ऑफिसर्स ने देश भर के अन्य अधिकारियों और व्यापार जगत को जीएसटी के अलग अलग पहलुओं की जानकारी दी। इसके लिए 4,500 जीएसटी केंद्र बनाए गए। मंथन के तहत किए गए 10,000 से भी अधिक आउटरीच प्रोग्राम्स से मिले सुझाव के आधार पर सटीक और विस्तृत कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित और प्रचारित विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को अहम जानकारी दी गई। 300 से भी ज्यादा अखबार और 16 अलग अलग भाषाओं में हर सेक्टर पर जीएसटी से होने वाले सकारात्मक प्रभावों को प्रचारित किया गया। जीएसटी को देशव्यापी अमल करने में सोशल मीडिया की भूमिका की जरूरत को भी समझा गया और उसे आम उपभोक्ता, करदाता और सरकार के बीच संवाद का जरिया बनाया गया। GST helps enshrine macroeconomic stability, and that is most beneficial actually to the poor. The poor suffer most when the economy is unstable. The second issue is it generates resources for development programs, which is very important. And the third part I would say is it generates an avenue for formalization. सितंबर 2016 में गठित जीएसटी काउंसिल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हर राज्य के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। भारत में जीएसटी ड्यूअल मोड अपनाया गया, जिसमें जीएसटी के दो हिस्से थे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी बनाया गया, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों शामिल हैं। जीएसटी के क्रियान्वयन से पूर्व हुई 18 मीटिंग्स और क्रियान्वयन के बाद अब तक की सारी मीटिंग्स में लिया गया फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। जीएसटी काउंसिल को जीएसटी से जुड़े हर नियम कानून, दर और छूट तय करने का अधिकार है और क्रियान्वयन के बाद मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में कई उपभोक्ता और व्यापारी अनुकूल बदलाव भी किए। गुवाहाटी में हुई 23rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई व्यापक बदलाव किए गए। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए 28% के स्लैब में शामिल हेडिंग्स की संख्या 224 से घटाकर 50 कर दी गई। कुल 211 हेडिंग्स को टैक्स के ऊंचे स्लैब से नीचे स्लैब में लाया गया। इस नई कर क्रांति में अब 95% से ज्यादा आइटम्स 18% या कम की श्रेणी में थे। See, GST is something that industry has been demanding for a long time. I think industry is happy, and it makes industry, particularly manufacturing enterprises, more competitive. So small and medium enterprises are happy the way it has come about. कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 1%, निर्माताओं को 1%
और रेस्टोरेंट्स को 5% की श्रेणी में लाया गया। उपभोक्ताओं और करदाताओं के लाभ और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ बनाया गया, जो उपभोक्ताओं और करदाताओं को जीएसटी के तहत माल और सेवाओं की कम कीमत के लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में माल के परिवहन की जटिलता को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित 50 से भी ज्यादा फॉर्म्स की जगह एक ई वे बिल को लाया गया, जिसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एसएमएस के द्वारा स्वयं जनरेट किया जा सकता है। जीएसटी आने के बाद हमने देखा है कि ट्रैफिक मूवमेंट हमारा बड़ा स्मूथ हो गया है, ट्रॉलर्स हमारे जो हैं बॉर्डर पे खड़े नहीं होते हैं, मूवमेंट बहुत स्मूथ है, और बाय एनी चांस अगर कहीं पे कोई चेकिंग भी होती है वो ऑथेंटिक होती है। जीएसटी विल बी गिविंग अ ह्यूज पुश टू द इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर एंड द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज प्रेटी हाई एंड इफ वी ब्रिंग डाउन आवर cost to near the international benchmark, we can provide around 4-5% support to the export and import sector, which is huge benefit to the exports and import sector. Since 1947, we have talked a lot about black economy. GST is probably the most powerful tool that we have launched to clean up this part of the economy. GST लागू होने के पहले वर्ष में GST Council की निरंतर कोशिश, लाखों प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत और करदाताओं की साझेदारी से जीएसटी सचमुच में गुड एंड सिंपल टैक्स बन पाया है। जीएसटी से पहले मैं सर्विस टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था, वैट के रिटर्न के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था, एक्साइज के रिटर्न के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था। कुल मिला के पूरे साल में आपको मालूम है 15-20 दिन मेरा खराब होता था, और आज वो जीएसटी के रिटर्न कुछ क्षण कुछ मिनट के अंदर मैं ऑफिस से भी फाइल कर सकता हूँ, घर पे भी फाइल कर सकता हूँ, मेरा पूरा का पूरा 15-20 दिन मेरा बच गया। आज आप समझो हमारे जैसे बाहर के व्यापारी हैं, काठ के व्यापारी हैं, मुरादाबाद के व्यापारी हैं, तो उन लोगों को इतना बड़ा बेनिफिट मिला है कि भाई साहब जब हम काठ से चलते थे मुरादाबाद से पैसे लेके चलते थे, बड़ा रिस्क होता था, जो कैश का आना जाना लूटपाट का डर था वो सब खत्म हो गया। देखिए जब से जीएसटी आया है पहले कॉम्प्लिकेशन थी, अब जब हमारी इंडस्ट्री में जीएसटी 5% हो गया है, ना कस्टमर देने में तकलीफ है ना हमें लेने में तकलीफ है, दोनों पार्टी खुश हैं। काफ़ी तरह के टैक्सेस थे जिनके हम पहले बेनिफिट नहीं ले पाते थे, जिस तरह रेंट पे सर्विस टैक्स लगता था और कई चीज़ें हम खरीदते हैं जिस पे टैक्स लगता था जिसका हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, अब ये सारे जीएसटी में आ जाने से हमें इनका पूरा बेनिफिट मिलता है। वी आर एबल टू गेट मोर इनपुट रिफंड्स और मोर इनपुट्स देन व्हाट वी आर गेटिंग अर्लियर, सो इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्ट। So in our case for medical devices, the tax has actually gone down. मेरा मानना है जीएसटी एक बड़ा विचारात्मक बदलाव है जिसका affordable housing पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जो सीधे सीधे सरकार के housing for all के उद्देश्य को कामयाब करने में मददगार साबित होगा। जब जीएसटी लागू हुआ था तो काफ़ी लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि किराने के सामान काफ़ी महंगे होंगे, लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि किराने के सामान और सस्ते हुए। पिछले एक साल में खाने पीने की चीज़ें जैसे दालें हैं और जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं। जीएसटी एक तो लगने से सारी चोरी चकारी वो ख़त्म हो गई है इसके लगने से, दूसरा राष्ट्र के प्रति कुछ हमारे जो कर्तव्य थे वो पूर्ण हो रहे हैं, है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एक मैसेज इसके में है कि राष्ट्र के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जीएसटी के साथ एक वर्ष बिता चुके भारत में उपभोक्ता और व्यवसायी नए अनुभव से गुजर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे पा रहे हैं। आने वाले कल में कर एकीकरण की इस कहानी में नए अध्याय जुड़ते रहेंगे जो नए भारत की आर्थिक सर्वोच्चता के पूरक होंगे। GST, a good and simple tax.